वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप सबने डायग्राम देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। और तो चलिए फिर देखते हैं। तो जो पाचन होता है, ये बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जब हमारा जो भोजन होता है, जब हम भोजन खाते हैं, मुंह में भोजन खाते हैं, तो वहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो जो है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसमें से जो लार साबित होती है सलाइवा, वो भोजन में मिल जाती है। और वो मिल जाती है तो उसमें से जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च का विखंडन करते हैं। तो स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च का ये विखंडन करते हैं और जिसमें जो एंजाइम होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, भोजन जो हमारा होता है, वो हमारा जो भोजन चला आता है कहाँ, तो वो जो लंबी पाइप नुमा ग्रसिका से, यानी कि ओसोफेगस जिसे हम कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं, इसके द्वारा हमारा भोजन ग्रसिका से पाइप नुमा रास्ते से ये चला आता है अमाशय में। यानी कि अमाशय में जब चला आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अमाशय में जब चला आता है तो अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है, इससे भी जो है क्या होता है, इससे भी जो है पाचक रस स्रावित होते हैं। और इन जो यहाँ पर इसका पाचन होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर इसका पूरी तरीके से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। जो पाचन मतलब हो जाता है, उसका जो है इसकी भीतरी द्वार मतलब अवशोषण कर लिया जाता है यहाँ पर, बट जिसका पाचन जो थोड़ा बचा होता है, पाचन नहीं हो पाता है, वो कहाँ पर जाता है, वो हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइप नुमा रास्ते से पहुँच जाता है। अब क्या होता है, जब ये भोजन पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी जो है आपने सुना होगा जो है पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। तो ये बाइल जूस कहाँ से आता है, तो ये आप देख रहे हैं लीवर से, ये जो लीवर है, लीवर से एक रस स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं पित्त रस। लेकिन ये पित्त रस जो होता है, ये गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय कहते हैं, वहाँ पर संग्रहित रहता है, यानी कि वहाँ पर वो स्टोर रहता है। और फिर क्या होता है, और आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये यहाँ पे है पैंक्रियास। ये पैंक्रियास एक जो है, ये भी एक ग्लैंड होती है, जैसे कि ये लीवर ग्लैंड है, ऐसे ही एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है, इससे भी अंगनाशी रस स्रावित होता है। और ये जो वहाँ पे बाइल जूस था पित्ताशय में जो स्टोर था, यानी कि संग्रहित था, वो और अग्नाशय रस, ये दोनों भी कहाँ पहुँचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो है पाचन होता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब कि भोजन का जो है पाचन हो जाता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भीतरी दीवार है, वहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं, विली रसांकुर, वहाँ पे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, और वहाँ पे वो विली से मतलब वो जो भोजन होता है पचा हुआ, उसका जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण हो जाता है, और वो विली के द्वारा मतलब कि वेट ब्लड वेसल्स में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो भोजन मतलब कि नहीं पच पाता है, जो भोजन नहीं पच पाता है, वो कहाँ जाता है, वो भोजन हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब कि वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ पर जल का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो जल का अवशोषण करती है, मतलब पानी को अवशोषित कर लेती है, फिर जाके वो जो भोजन होता है, ये जो भोजन होता है, क्योंकि वो पचा तो है नहीं, मतलब कि वो नहीं पचने वाला है, तो उसे क्या करती है, वो जो रेक्टम होता है, रेक्टम में जो है जमा हो जाता है। क्या होता है कि उसमें से पानी अवशोषित कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, और फिर उसे रेक्टम में जमा कर दिया जाता है, वो रेक्टम में जमा हो जाता है। और जब हमने जो उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था जो मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, रेक्टम में यहाँ पे जो जमा हो जाता है, मतलब अपचित भोजन है जो पचा नहीं है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये फिर क्या होता है कि ये एनस के द्वारा, यानी कि गुदा द्वारा ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से रेक्टम में स्टोर था और एनस से ये गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो है ऐसे ही पूरा का पूरा क्या होता है, इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, तो हमारा सबसे पहले तो मुंह में जो है हमारा गया भोजन, तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स जो आई, लीवर था, पैंक्रियास था, और हमारा फिर यहाँ पे सबसे मेन तो ये एसोफेगस ले लीजिए,
आहार नाल वहाँ पे जो ग्रसिका है और हमारा स्टमक इसमें मेन जो है काम कर रहा है, और लीवर है, और जाके पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस, ये सारा कुछ मिल करके पूरा का पूरा ये जो पाचन हमारे अंग है, पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज हमने देखा कि पाचन कैसे होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कितनी जो किसकी कितनी लंबाई होती है और कैसे क्या इसमें होता है।